अल्लाह नसीब अच्छा करे। आपको मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। ये लो। और हाँ, शोहर की वफादार बन के रहना। दो बच्चे हैं मेरे भाई के, जून और जुलाई में घर आते हैं वो। बेटा और जरा मुंह दिखा कर आए सबको। कैसा इम्तिहान लिया है अम्मी ने। एक जाहिल उधेड़ उम्र बदसूरत इंसान से मेरा नसीब बांध दिया। मैंने कभी ऐसी जिंदगी का सोचा भी नहीं था। साहिरा बेटा। जी अम्मी। वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। वो शरीफ थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, मगर मुझे यकीन है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। जी अम्मी। साहिरा बेटा, माजी को भूल जाओ। तुम तो माशाल्लाह इतनी खुश नसीब हो कि जैसी इद्दत खत्म हुई साथ ही इतना अच्छा रिश्ता आ गया। पता है, बहुत बड़ा होटल है रेलवे स्टेशन के पास, लाखों की सेल है। और देखो शरीफ की तबीयत में कितनी सादगी है। जी अम्मी। सैद जैसे लोग तुम्हें भला क्या दे सकते थे सिवाय बदनामी के। अम्मी, मैं अब उसका जिक्र भी सुनना नहीं चाहती। जीती रहो, खुश रहो। कल निकाह हो जाएगा ना, मैं उनसे ना रुखसती के लिए 2-4 दिन और मांग लूंगी। तुम बेटा आराम से अपनी तैयारी कर लेना। कैसी तैयारी? बहुत कुछ है मेरे पास। तो चलो ठीक है, वो लोग भी इसरार कर रहे थे कि कल ही रुखसती दे दे। साहिरा बेटा, मुझे गलत ना समझना, मैं बहुत डर गई थी। देखो ना, इतना अच्छा रिश्ता हमें और कहाँ मिलेगा। जी अम्मी।